बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, हम आपकी खिदमत में प्रोग्राम हम और हमारी सेहत लेकर हाज़िर हैं। और आज हमारी इस मजलिस का मौजू है दिल के भरने की अलामत और तशख़ीस और इलाज। दिल के धड़कन में बेतरतीबी, कमज़ोरी, सुस्ती, सीने का दर्द, सांस लेने में मुश्किल होना, खांसी, टांगों में सूजन वगैरह शामिल हैं। बाज़ अवक़ात अलामत ज़ाहिर नहीं भी होती हैं। तशख़ीस और इलाज, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट करने से दिल के भरने का सही तरह से मालूम किया जा सकता है। सीने का एक्सरे लेने से दिल के सही साइज़ का पता चल जाता है, इससे दिल के भरने का पता चलाया जा सकता है। इकोकार्डियोग्राम, इस टेस्ट से दिल के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं इसका पता चल जाता है। दिल के पट्ठों की सख्ती, दिल के वाल्व्स की हालत, दिल के पंप करने की सलाहियत और दिल के खुलियों की खराबी का पता इस टेस्ट से चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG, यह टेस्ट दिल की धड़कन को चेक करने के लिए किया जाता है और अगर दिल में किसी किस्म की खराबी हो तब भी पता चल जाता है। इससे डॉक्टर को दिल के सही तरह से वजूहात पता चल जाते हैं कि दिल क्यों भर रहा है। CT स्कैन और MRI, ये दोनों टेस्ट दिल की वादी तस्वीर देते हैं जिसकी वजह से दिल के भरने का पता चल जाता है। स्ट्रेस टेस्ट, इस टेस्ट के दौरान दिल को मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस के अंदर रखा जाता है जिससे दिल की कारकर्दगी का पता चल जाता है। और अगर हमारा जिस्म कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा हो तो हमारा दिल बहुत तेज़ धड़कता है। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट से खून के अंदर के नासुर इनके लेवल का पता चल जाता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये एक मेडिकल तरीक़ेकार है जो कि दिल के अंदर नक्स या खराबी का पता बताता है। एक छोटी सी ट्यूब जिसे कैथीटर कहते हैं, यह बाजू गर्दन वगैरह में से डालकर दिल से गुजारी जाती है। ये तरीक़ेकार दिल की बंद नालियों को पहचानने के लिए भी किया जाता है। बायोप्सी, ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें दिल के टिश्यूज़ यानी खुलियात के मुख्तलिफ सैंपल्स लिए जाते हैं जिससे फिर दिल के भरने का सबब जाना जाता है और ये खुलियात कार्डियक कैथेटराइजेशन के ज़रिए से इकट्ठे किए जाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ अदवियात का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। डायोटिक्स, पेशाब पावर, ये जिस्म में पानी और सोडियम को कम करने में मददगार है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बीटा ब्लॉकर्स, ये ब्लड प्रेशर को कम करके दिल के बोझ को कम करती है। उसके अलावा एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर्स और एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs भी इस्तेमाल की जाती हैं। दोनों अद्वियात दिल के पंप करने के अमल को बेहतर बनाती हैं। अब तक के लिए इतना ही, आइंदा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।